हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? बाज़ बल्कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम बड़ी दुआएं करते हैं मगर बरसहा बरस हो गए कबूल नहीं होती, आखिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हदीस ने इसका जवाब दे दिया कि हराम गजा और हराम लबास इख्तियार करने वालों की दुआ कबूल नहीं होती। आज बहुत से मुसलमान बल्कि नमाजी, हाजी और बड़े बड़े दीनी खिदमात में लगे हुए लोग हराम से बचने का अहतमाम नहीं करते, फिर क्यों कर दुआ कबूल होगी। एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने इसरारन इनसे अर्ज किया कि मेरे साथ बैठकर आप खाना खाएं। बुजुर्ग ने इसकी दरख्वास्त पर इसके साथ बैठकर खाना खा लिया, फिर आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने रास्ते से भटक गए और बावजूद कोशिश के इनको रास्ते का इलम ना हो सका। बार बार अल्लाह से दुआ की मगर दुआ कबूल ना हुई। बड़े परेशान हुए। जंगल का, बियाबां का रास्ता, रात का तारीक माहौल, वहशतनाक सन्नाटा, मगर राहें बंद हैं। आखिरकार एक और बुजुर्ग का इधर से गुजर हुआ और उन्होंने बताया कि तुमने जो खाना फलां आदमी के साथ खाया था वो हराम था, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। पहले इसकी तलाफी इस्तग़फार के जरिए करो तो फिर रास्ता खोल दिया जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अलगर्ज दुआ की कबूलियत के लिए हराम से बचना लाजिम है वरना दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको हराम के एक एक लुक्मे से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।